Hi dear students, good morning. Now let's start punctuation. Today we will talk about punctuation. आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे punctuation की. इन्हें हम लोग punctuation marks भी बोलते हैं. Read the following sentences and compare them. आइए काम करते हैं, हम इन sentences को पढ़ते हैं और compare करते हैं इनमें. The child who fell down is serious. The child who fell down is serious. अब देखिए यहाँ दो सेंटेंस हैं. पहला सेंटेंस जो हुआ वो सीधा एकदम से जो चला गया, एकदम बीच में कुछ भी कॉमा वगैरह नहीं लगा, बस लास्ट में जाके फुल स्टॉप लगा. लेकिन दूसरे सेंटेंस में चाइल्ड के बाद एक कॉमा लगा, हु फेल डाउन के बाद फिर एक कॉमा लगा, इस सीरियस के बाद फुल स्टॉप लगा. फ्रॉम दीज सेंटेंसेज इट इज़ क्लियर दैट कॉमाज ऑल्टर द सेंस ऑफ सेंटेंस. जो कॉमा होता है वो सेंटेंस को बीच में से तोड़ देता है. पंक्चुएशन मीन्स करेक्ट यूज ऑफ सिंबल. पंक्चुएशन का मतलब होता है आप करेक्ट यूज करें सिंबल्स का. दैट वी यूज टू डिवाइड द वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू कन्वे द मीनिंग ऑफ मीनिंग थ्रूली. जो हम डिवाइड करते हैं वर्ड्स को या सेंटेंस को मीनिंग के जरिए. आइए देखते हैं कुछ प्रिंसिपल पंक्चुएशन मार्क्स कौन से होते हैं. जो प्रिंसिपल ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं, जैसे फुल स्टॉप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं. चलिए मैं शुरू से दिखा देता हूँ. ये होता है आपका फुल स्टॉप, दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास. ये दो कॉमास होते हैं बीच में, इनके वो वर्ड होता है दोनों. एक 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 कॉमा इधर होता है, एक उधर होता है बीच में. ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क पता ही है आपको, कोमा एंड कोटेशन. नाउ कंपेयर दिस सेंटेंसेस. आइए एक काम करते हैं, ये वाले सेंटेंसेस को देखते हैं. द ताजमहल इज इन आगरा. द ताजमहल इज इन आगरा. अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप ये जो वर्ड्स हैं ये दोनों स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं. ये भी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, महल भी स्मॉल लेटर में है. यहाँ पर देखिए टी द फर्स्ट लेटर, ये भी कैपिटल में है टी, एम कैपिटल में आया यहाँ और ए कैपिटल में आया. वी यूज़ कैपिटल लेटर्स टू बिगिन द सेंटेंस फॉर प्रॉपर नाउन्स एंड व्हाइल राइटिंग द प्रोनाउन आई. हम लोग कैपिटल लेटर का से शुरुआत करते हैं किसी भी सेंटेंस की या किसी प्रॉपर नाउन की, और लिखते वक्त हम प्रॉपर नाउन जो प्रोनाउन होता है हमेशा हमेशा चाहे वो बीच में आए आई का यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई एम अ गुड बॉय. तो देखिए आई यहां पर कैपिटल में है, वैसे भी कैपिटल में आना है इसको क्योंकि ये यहां पर सेंटेंस से शुरू हुआ है. द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द पंक्चुएशन. आइए सीखते हैं हम दोस्तों पंक्चुएशन के बारे में. फुल स्टॉप की अगर हम बात करें तो फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के बाद में यानी सेंटेंस के बाद में, टू मार्क इट्स एंडिंग. ये समझ लीजिए कि यहाँ पर सेंटेंस हमारा एंड हो जाता है. वेयर आर यू गोइंग. हाँ सॉरी, एक सेंटेंस छोड़ दिया मैंने. एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ माई फ्रेंड. देखिए शी इज़ माई फ्रेंड सेंटेंस कम्प्लीट हो चुका है. क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ करते हैं. क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है सेंटेंस के लास्ट में, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज होता है. जैसे वेयर आर यू गोइंग, अब देख सकते हैं आप कि लास्ट में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क. लेट्स टॉक अबाउट इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास की बात करते हैं. जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं हाईलाइट करने के लिए किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को जो सेंटेंस में होती है. जैसे येस्टरडे आई वॉन्टेड सुपरमैन मूवी. तो यहाँ देखिए सुपरमैन को हाईलाइट किया गया है, यानी मूवी का नाम बताया गया है. ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क की बात करते हैं दोस्तों. ये कब यूज़ होता है, ये आफ्टर एन एक्सक्लेमेशन वर्ड. जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं. एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट में आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब जगह लास्ट में आए.
कुछ जगहों पर इस एक वर्ड के बाद भी आ जाता है, जैसे वाव। अब देखिए यहाँ पर वाव जो है ये, एज यू कैन सी, वाव के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। वाव, दिस इज न्यू ड्रेस, दिस न्यू ड्रेस लुक्स स्प्लेंडेड। ओके, सो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो आपके, ग्रेट। सो नाउ आपको क्या करना है दोस्तों, एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है आपके लिए यहाँ पर, इंसर्ट फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कैपिटल लेटर्स अप्रोप्रिएटली। डोंट फॉरगेट टू बिगिन ईच सेंटेंस विद कैपिटल लेटर। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें फुल स्टॉप का यूज़ करना है अगर ज़रूरत है तो, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है अगर ज़रूरत है तो, इन सब में। और ध्यान रखना कि सभी जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो कैपिटल लेटर्स से होगी। ओके डियर, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखते हैं कितने सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, आप इनको कीजिए। क्या करना है दोस्तों हमें यहाँ पर, लेट मी हेल्प यू। देखिए वेयर आर यू गोइंग, तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है और ये डब्ल्यू इसका जो हो जाएगा वेयर का, ये बड़ा होगा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, डब्ल्यू बड़ा होगा और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। क्लियर। रीमा, नेहा एंड प्रिया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, रीमा के बाद लगाएंगे हम लोग यहाँ पर कोमा। रीमा, नेहा एंड प्रिया आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ लग जाएगा आपका फुल स्टॉप। लेकिन कुछ और भी चेंज होगा, बताओ क्या, रीमा का आर बड़ा होगा, नेहा का एन बड़ा होगा और प्रिया का पी बड़ा होगा। क्लियर माय डियर। व्हाट एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, एक्सक्लेमेशन मार्क और व्हाट का डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली का एच बड़ा होगा, एन की कैपिटल में आएगा और यहाँ फुल स्टॉप। ओके, डू नॉट कट ट्रीज, यहाँ फुल स्टॉप आएगा लेकिन डी यहाँ पर बड़ा होगा, कैपिटल में आएगा। वाई आर यू स्टैंडिंग, यहाँ पर वाई का डब्ल्यू बड़ा होगा और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। गो टू द पार्क, गो का जी बड़ा होगा और यहाँ फुल स्टॉप आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स, ग्रेट। यस, लेट्स टॉक अबाउट कोमा। कोमा इज यूज टू सेपरेट सेवरल आइटम्स इन अ लिस्ट, कोमा जो है वो यूज़ होता है सेपरेट होने के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शी हैज़ बॉट पेंस, अब देखिए आप देख सकते हैं पेन के बाद यहाँ पर कोमा लगा हुआ है। शी हैज़ बॉट पेंस, पेंसिल्स, बुक्स एंड, अब यहाँ पर बुक्स के बाद क्यों नहीं लगा, क्योंकि एंड ने कोमा का काम किया, एंड जो होता है वो लास्ट में लगता है। एंड अ न्यू स्कूल बैग्स, यानी जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है कोई, उससे पहले एंड लग जाता है जब कई सारे होते हैं, लेकिन एंड से पहले, एंड आई मीन एंड से पहले जो नाउन होता है उसमें कोई भी कोमा नहीं लगता क्योंकि एंड वहाँ पर लग जाता है। ओके, टू और कहाँ यूज होता है, टू इंडिकेट अ पॉज दैट मस्ट बी मेड वाइल रीडिंग अ सेंटेंस, पॉज करने के लिए जहाँ पर हमें रुकना होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग कोमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन हु इज इन रेड शर्ट, अब देखिए यहाँ लग गया आपका कोमा, इज माई फादर, वो व्यक्ति कौन जो रेड शर्ट में है वो मेरे पापा हैं। और कहाँ यूज होता है, इन डायरेक्ट स्पीच टू सेपरेट द स्पोकन वर्ड्स, जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो वहाँ पर भी हम लोग सेपरेट कर देते हैं जो स्पोकन वर्ड्स कहे जाते हैं। जैसे एग्जांपल, रोहन सेड, कोमा लग गया, ही विल बी बैक सून, यहाँ कोमा लग गया। अंडरस्टैंड, नाउ वन मोर एक्सरसाइज इज फॉर यू, पुट अ कोमा अप्रोप्रिएटली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर एवर नीडेड, जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग यहाँ पर कोमा लगाएंगे। सो आइए देख लेते हैं दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि देख सकते हैं आप, पटेटोज, अनियन, टमाटोज एंड, क्या करना है यहाँ पर हमें, पटेटोज के बाद भी हम यहाँ कोमा लगाएंगे, अनियन के बाद भी कोमा आएगा। ओके, टमाटो के बाद नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंड आ गया है। ब्रिंजल्स आर
वेजिटेबल्स, इस तरह से हो गया आपका ये क्लियर। मीठा किसी का नाम है मीठा, मीठा तो यहाँ मीठा के बाद कॉमा लग जाएगा। प्लीज़ गिव मी माय बुक, फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर दीपक, तो यहाँ पर वाटर के बाद कॉमा लग जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स के बाद कॉमा लगेगा। स्टूडेंट्स स्टैंड अप, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द, नो यहाँ ऐसा नहीं आएगा ये। यहाँ कोई भी कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पर कोई सा भी कॉमा नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। स्टूडेंट्स स्टैंड अप आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल, यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। छाया, यहाँ छाया के बाद आएगा। छाया प्लीज सिट डाउन क्वाइटली, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय व्हीट, व्हीट फ्लावर, अब यहाँ फ्लावर के बाद यहाँ आ जाएगा। एग्स, एग्स के बाद भी आएगा वेजिटेबल्स एंड शुगर, यहाँ लग गया आपका। तो व्हीट फ्लावर, एग्स, वेजिटेबल से पहले के बाद क्यों लगा, क्योंकि वहाँ पर एंड आ गया है। क्लियर। वी हैड टी, यहाँ टी के बाद आएगा कॉमा। वी हैड टी बिस्किट्स एंड स्नैक्स एट देयर होम, माय प्रॉपर्टी कार्स मनी, माय प्रॉपर्टी, जो मेरी प्रॉपर्टी है कौन कौन सी है यहाँ पर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है माय प्रॉपर्टी, कौन कौन सी, कार्स मनी एंड ज्वेल्स विल गो टू माय डॉटर, यहाँ प्रॉपर्टी के बाद भी कॉमा आएगा। ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, एक दो सेंटेंस और हैं। सुरेश माय फ्रेंड इज अ लॉयर, तो यहाँ क्या करेंगे, सुरेश के बाद कॉमा लगा देंगे। सुरेश माय फ्रेंड इज अ लॉयर, द मैन ओन्ड अ शीप, द मैन ओन्ड शीप, कॉमा लगा। ओके काउज गॉट एंड पोट्री, उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।